नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। देखिए धर्म के नाम पर कैसे हो रहा है खिलवाड़। 500 साल पुरानी मूर्ति बताकर करवा रहे हैं पूजा। आस्था की आड़ में चलाना चाहते हैं कमाई का घोरक धंधा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूपी के उन्नाव में बाप बेटे ने देवी देवताओं की मूर्तियाँ ऑनलाइन मंगाई, इन्हें अपने खेत में दबा दिया। थोड़ी देर बाद बाप बेटे कुछ लोगों के सामने खेत की खुदाई करने लगे, मूर्तियां निकाली और लोगों को बताया कि यह 5 साल पुरानी है। देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग खेत में पहुंचने लगे। मंगलवार से ही सैकड़ों भक्तों की कतारें लगने लगी, लोग पूजा करने आए। घटना महमूदपुर गांव की है। सोशल मीडिया पर खेत से मूर्तियां निकलने और पूजा करने की खबर फैली तो मूर्तियां देख गांव के डिलीवरी मैन ने उन्हें पहचान लिया और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले पिता पुत्र के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। डिलीवरी मैन ने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो से 169 रुपये की मूर्तियां मंगवाकर पैसा पैदा करने के लिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचा गया है। इसी लड़के ने ऑनलाइन ऑर्डर की गई मूर्तियों को गांव की ही युवक के घर पहुंचाया था। खेत से पीली धातु की हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबर पाकर आसवीन थाना प्रभारी व SDM मौके पर पहुंचे। बड़ा खुलासा होते ही थाना प्रभारी ने तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कों को उनके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये मामला आसीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके दो लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने नजान से मंगाई हुई थी, जिसके प्रमाण भी मिले थे और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को पहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उनकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।